बस बहुत हो गया, तंग आ चुका हूँ इसके रोज रोज के खर्चों से। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, आज इसे एक रुपए भी खर्च करने नहीं दूंगा। जान जाए लेकिन वचन ना जाए। ओहो, जान जाए पर वचन ना जाए। आज भी तुम यही सोच रहे होंगे मेरे पतिदेव कि अपनी बीवी से कैसे खर्चे कम करवाएं। लेकिन तुम जितना सोचोगे उतना ज्यादा मैं खर्चा करवाऊंगी। अरे यार, जब भी इसके बारे में सोचता हूँ इसका कॉल कैसे आ जाता है। सुनिए जी मेरे प्यारे पतिदेव, अजी सुनिए ना। कानों से सुनता हूँ मैं। हाँ, वैसे जबान तो आपकी मेरे सामने निकलती भी नहीं है। वैसे मैं ये बोल रही थी कि बहुत दिन हो गए रेस्टोरेंट में खाना खाए हुए, आज चले। अरे नहीं यार, आज मैं ऑफिस से लेट आऊंगा तो। मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ, चुपचाप ऑफिस से टाइम पे घर आ जाना। कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो आज मैं ही बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये क्या, मुझे जल्दी बुलाकर तुम खुद ही रेडी नहीं हुए अभी तक। अरे यार, इसे तो रेडी होके आने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ये जब तक रेडी होके आएगी तब तक तो मैं बहाना बना लूंगा कि सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो आज का खर्चा भी बच जाएगा और मजा भी आ जाएगा। या वाह अजय, तू कितना सॉलिड सोचता है यार। तू रेडी भी हो गई। अच्छा पूनम, वैसे हम कौन से रेस्टोरेंट में चलेंगे? अपने पास वाले आरजे रेस्टोरेंट में। क्या? अरे यार, ये रेस्टोरेंट तो इस एरिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। यहाँ तो मिनिमम ऑर्डर भी कम से कम 5,000 रुपए का होता है, और इसने अलग से कुछ स्पेशल ऑर्डर कर दिया तो खर्चा तो पूरे 10,000 का ही बैठ जाएगा। क्या करूँ, कैसे बचाऊँ ये पैसे? आइडिया, अब देख तू मेरा कमाल। हाँ ठीक है, तो चलते है। हाँ चलो। हेलो राजू, के यार अभी तो वो ठीक था। चलो ठीक है ठीक है, मैं वही आ रहा हूँ अभी। पूनम, वो हमारे ऑफिस में राजू नहीं था क्या? उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में वो, और मुझे तुरंत उसके पास जाना पड़ेगा। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आप अपना बैग तो ऑफिस में ही भूल के आ गए। मैंने आपको आवाज भी लगाई मगर आपने सुना नहीं। हाँ? तो मैं ये बैग आपके घर ही देने आ गया। आपने तो कहा था राजू के हार्ट अटैक आ गया, राजू तो सही सलामत खड़ा है। हाँ यार, लगता है शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया है, पक्का मजाक किया है किसी ने मेरे साथ। अच्छा मजाक। वैसे सेठ जी, आज जा कहाँ रहे हो आप? अरे राजू भैया रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं खाना खाने। अरे वाह सेठानी जी, अगर बुरा ना मानो तो आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मेरा भी बहुत मन करता है रेस्टोरेंट पे खाना खाने का, मगर मेरी जेब में इतने पैसे नहीं रहते कि मैं बाहर जाके खाना खा सकूं। अरे कोई बात नहीं राजू भैया, आप हमारे साथ चलो, वैसे भी दो से भले तीन। अबे साले मोटे, ये खर्चा कम था क्या तू और करवा रहा है? और तेरा तो पेट भी इतना मोटा है, साला कम से कम 10,000 का खा जाएगा। तू तो कल ऑफिस में चल, तुझे तो कल वहीं बताता हूँ। अरे अब क्या सोचने लगे, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे सुनो, वो मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया, मैं लेके आता हूँ, जब तक तुम यही वेट करो। ठीक है। क्या करूँ यार, इस मोटे खर्चे को कैसे बचाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आइडिया, अब देखो तुम दोनों को मैं कैसे पागल बनाता हूँ। पता है हमारे गांव में कंपटीशन हुआ करता था सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने का, और उस कंपटीशन में हर बार कौन जीतता था? लेकिन आप तो जरूर हारते होंगे सेठ जी। हारा तेरा भाई, मैं तो हर बार फर्स्ट आता था। क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कंपटीशन मेरे जैसों के साथ नहीं हुआ होगा, वरना जीतना तो दूर टक्कर में भी नहीं रह पाते। अरे जाओ तुम, तुम्हारे जैसों की तो वहाँ एंट्री भी नहीं होती थी। अरे सेठ जी, इन जैसों की नहीं होती होगी, मेरे जैसों की तो होती है। खाने के मामले में आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया, तो फिर तुम क्या चीज हो? वो तो जब पता चलता, जब हम तीनों के बीच कंपटीशन होता और वहाँ तुम दोनों हारते और मैं तुम्हें हंसते हुए देखता। अगर ऐसी ही बात है तो आज करो कंपटीशन, फिर देखते हैं कौन विनर और कौन लूजर। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखी जाएगी तुम लोगों की हार। तो चलो आज तो फैसला कर ही डालते हैं कि कौन है असली खाने का किंग। चलो सेठानी जी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आज का असली गेम। भाई
गोलगप्पे खिला, और हाँ तब तक खिलाना जब तक ये दोनों मेरे से हार ना जाए। मुझे नहीं लगता यही आपसे जीत पाएंगे। चलो करो तो स्टार्ट। बस भाई, मैंने तो अपनी हार स्वीकार कर ली। बस भाई, मेरा तो हो गया। क्या हुआ, निकल गए तुम दोनों की हवा? बड़े आए थे मुझसे कंपटीशन जीतने। वाह यार पूनम, तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुमने तो मुझे भी हरा दिया। लो चलो अब रेस्टोरेंट में खाना खाने भी तो चल रहा है। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? हाँ तो तुमने क्या सोचा, तुम ही स्मार्ट हो? अरे हम भी और स्मार्ट है। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगले एपिसोड में देखना तुमसे कैसे मैं खर्चा करवाती हूँ। अच्छा तो ऑडियंस देखते हैं फिर ये अगले एपिसोड में मुझसे खर्चा करवाती है या नहीं। तब तक आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।